हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की चर्चा करी थी, रिसर्च पैराडाइम देखे थे नहीं, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। देखिए, रिसर्च हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर, तो रिसर्च बेसिकली करते भी हैं। हाँ जी सर, तो अब आईसीटी का क्या एप्लीकेशन है रिसर्च में, इसकी चर्चा हमें आज के क्लास में करनी है। चलिए चलते हैं क्लास में और देखते हैं एप्लीकेशन। जी, तो इसको पढ़ने से मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। क्या इंफॉर्मेशन है सर? आपके नेट वाले भैया पे अगले जून के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली यूट्यूब में फ्री वीडियोस डाल रहे हैं। कहीं कोई किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको यहां मिलेगी। ऑलरेडी हमने टीचिंग और कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया है, 37 लेक्चर टीचिंग के और कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर्स को। पेपर टू कॉमर्स के लिए अकाउंट्स के 31 लेक्चर्स हो गए खत्म और इंटरनेशनल बिजनेस के 38 लेक्चर्स। और अभी जो है हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को शुरू करा है और रिसर्च तो अभी कंटिन्यू हमारा चल ही रहा है। क्लियर है बात? हाँ जी, तो ये सारा चीज आप जरूर जाके देखिए, आपको फायदा होगा। और इस चीज को अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके भी दीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें क्या मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। और इसको शेयर भी जरूर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं बस आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप क्या करें, शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है? हाँ जी सर, चलिए अब आप देखते हैं क्या एप्लीकेशन। एक बात बताइए। हाँ जी सर, बताते हैं आईसीटी का क्या मतलब हुआ सर? आईसीटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है रिसर्च में? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं सर। बिल्कुल करते हैं, रिसर्च के प्रोसेस में हम डेटा कलेक्शन से लेकर एक्सेस से लेकर अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं नहीं सर? बिल्कुल करते हैं। इंटरनेट को यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कंप्यूटर में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये सारा काम करते हैं, तो इसका क्या एप्लीकेशन है, किस किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, आइए उसको हम लोग उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कह रहा है आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का क्या मतलब हुआ जी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का यूज कैसे है, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी में सिर्फ कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट भी, कंप्यूटर भी और अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी। अब आप अज्यूम कर लीजिए, बस एक बार आप आग बंद करिएगा, ऐसे मन में सोचिएगा कि अगर इंटरनेट ना हो, अगर मोबाइल फोन ना हो, अगर कंप्यूटर ना हो, तो क्या होगा भाई साहब? आधा से ज्यादा काम रुक जाएंगे आपके अभी केस में नहीं। तो इसीलिए उसका रिसर्च पे क्या एप्लीकेशन, आइए पढ़ते हैं। कह रहा द आईसीटी हैज द रिवोल्यूशनाइज्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इसकी वजह से कंप्यूटर, इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी, इसकी वजह से हमारा क्या मतलब चीजों को देखने का तरीका बदल गया भाई, ऑल एस्पेक्ट्स बदल गए हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, इट हैज प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल इन द एरियाज लाइक लर्निंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड सो ऑन। ICT can be used in research for the following. अब देखिए, बोला भाई साहब अलग अलग एजुकेशन के टाइप में, जैसे लर्निंग में हो, रिसर्च में हो, हायर एजुकेशन में हो, अलग अलग इनोवेशन के तरीके इसका यूज किया जा रहा है। तो आईसीटी का क्या यूज है रिसर्च में, आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये सारा फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिसर्च की इसकी चर्चा की जाती है। आइए सबसे पहले क्या, कलेक्टिंग डेटा। क्या होता है डेटा सर? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। जब भी हमको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, हम कैसे कलेक्ट करते हैं सर? एक तो हम कलेक्ट करते हैं कि ठीक है, डायरेक्ट जाते हैं अब उनके पास, उस फिर वहां हम कैसे करते हैं, तो सर उसके लिए भी क्या करना पड़ता है हमको, हम एक फॉर्मेट देते हैं। अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो फॉर्मेट देते हैं, उस फॉर्मेट को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने के बाद हम उस पर उससे लिखवा लेते हैं, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया सर? दूसरा तरीका क्या हो गया कि अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे सर? मेल के थ्रू, हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं और फिर वो भेज देते हैं पर्सन को, वहां से आपके पास रिप्लाई आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली आप सेव कर लेते हैं। सोचिए अगर आपके पास गूगल फॉर्म ना होता तो आपको कितने डेटा कलेक्ट करने के लिए कितने लोगों के पास जाना पड़ता। लेकिन चूंकि गूगल फॉर्म है, आईसीटी की वजह से एक गूगल फॉर्म आया, गूगल फॉर्म में है, गूगल फॉर्म भेजकर आप कितने डेटा इजीली कलेक्ट कर लेते हो, हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो ये डेटा कलेक्शन आईसीटी की वजह से बहुत इजी हो गया है। आइए क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है आईसीटी कैन बी यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा इन केस
ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा ऑनलाइन क्वेश्चनरी सर्वेज फॉर्म्स कैन बी यूज कलेक्ट डेटा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा मैनुअली फ्रॉम द रेस्पॉन्डेंट्स। बिल्कुल सही बात बोला, बोला क्या भाई आईसीटी का यूज हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट डेटा कलेक्ट करने में करते हैं। बोला अगर आप प्राइमरी डेटा की बात करें तो पहले हमको मैनुअली जाके रेस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग क्या ऑनलाइन क्वेश्चनरीज बनाते हैं। क्वेश्चनरीज बनाने के बाद हम उसको गूगल फॉर्म के थ्रू में भेज देते हैं और वो डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से। और इसी का एप्लीकेशन क्या है? रिसर्च में है। कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है इट कैन हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी। टाइम और पैसा दोनों बचाता है। अब जाते आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए तो भाई पैसा लगता, खर्चा लगता और टाइम भी लगता, दोनों आपका बच रहा है। तो यहां है कह रहा देयर विल बी नो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इन द कलेक्टिंग डेटा। डेटा कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज यूजिंग ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब ये ध्यान दीजिए कि बोल रहा भाई साहब आप सोचिए कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप। एक इंसान अगर आप मान लेते हैं किसी स्टेट में और किसी दूसरे स्टेट से डेटा कलेक्ट करना है, कर सकते हैं, इजी है, फॉर्म भेज दीजिए आपका डेटा सही हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये क्या बोल रहा है, ये किसका यूजेस है? सर ये आईसीटी का ही यूजेस तो है, आईसीटी का ही मेरिट तो है कि आपको आप कहीं भी वो डेटा कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस बोल रहा डेटा को और भी कलेक्ट तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, आप वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑडियो के थ्रू इंटरव्यू ले सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग डेटा थ्रू आईसीटी इस तरह से हेल्प करता है। अब आइए एक्सेसिंग द डेटा, डेटा को एक्सेस करने में। सर कैसे? सर डेटा एक्सेस करने मतलब अगर आपको कोई डेटा चाहिए, जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से। आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको सारे डेटा एक्सेस मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। हाँ जी सर, कह रहा है सेकेंडरी डेटा कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड ऑनलाइन, जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश है। जैसे मान लेते हैं मैं अगर बात करूँ, मैं एग्रीकल्चर फाइनेंस पे मैंने काम किया, मैं बेसिकली इसका एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे समझा सकूँ, मेरा पीएचडी का टॉपिक यही है। तो एग्रीकल्चर में नाबार्ड इज द बॉडी, आरबीआई इज द बॉडी, वहाँ उनके जो डेटा होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, तो उसका एक्सेस हमको कहाँ मिल जाता है? ऑनलाइन मिल जाता है इंटरनेट पे, तो वो इजी हो जाता है। कह रहा है दीज आर ऑनलाइन पोर्टल्स विच कैन बी यूज्ड बाय द रिसर्चर फॉर एक्सेसिंग ऑनलाइन, एक्सेसिंग डेटा ऑनलाइन। तो ये सारा पोर्टल्स क्या, इसके थोड़ा रिसर्चर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन डेटा को कवर कर लेते हैं। कह रहा है वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस अपलोड देयर एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। अब देखो एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन आपका अपडेट हो जाता है, आरबीआई भी, नाबार्ड भी, हर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। ई-बुक्स डिजिटाइज्ड आर रेयर सोर्सेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स कैन बी ऑल्सो एक्सेस्ड ऑनलाइन फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो ये सारा चीज, ई-बुक्स हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, ये सारा चीज आप ऑनलाइन रिसर्च के थ्रू आप पर्पस कंप्लीट कर सकते हो, ऑनलाइन आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। कहता है data.gov.in इज एन ओपन डेटा पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स इज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर अवेलेबल ऑनलाइन। सम स्टेट्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड देयर ऑनलाइन ओपन डेटा पोर्टल्स। तो देख लीजिए data.gov.in में आपके सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात? हाँ जी। तो कलेक्टिंग डेटा करने में भी आईसीटी हेल्प किया, एक्सेस करने में आईसीटी हेल्प किया, डेटा को स्टोर करने भी हेल्प करता है। बिल्कुल। अब सोचिए जो सारा चीज आपने कलेक्ट किया था मेल क्वेश्चनर के थ्रू, वो डेटा आप कहाँ करेंगे, स्टोर करेंगे? तो सर वो स्टोर कहाँ कर सकते हैं? अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, पेन ड्राइव में कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, तो ये सारा कर सकते हैं। हाँ अब हम लोग अलग अलग फाइल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल बना दिए, वर्ड्स में फाइल बनाए, वो फाइल भी सेव हम डेटा के थ्रू कर सकते हैं। तो आईसीटी कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में, तो वो भी क्या, स्टोर करने में भी हमारा हेल्प करता है। कह रहा है डेटा कैन बी सेव्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द स्प्रेडशीट्स एंड द डेटा बेसिस, दीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड। और इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है कि भाई कोई इसको ये लेके उड़ ना जाए। कह रहा है देयर आर द वेरियस सॉफ्टवेयर्स which can use for creating spreadsheets and database like Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL, Oracle, और इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, डेटा शीट बना सकते हैं। कह रहा डेटा कैन बी ऑल्सो सेव्ड ऑन क्लाउड सर्वर, बस बिल्कुल क्लाउड सर्वर, गूगल ये वाला गूगल ड्राइव। कह रहा देन इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बस लॉगिन कीजिए और आपको डेटा कहीं भी किसी भी जगह पे मिल जाएगा। कह रहा सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी यूज इन द क्लीनिंग डाटा एंड रिमूविंग एरर्स, तो भाई साहब सॉफ्टवेयर डेटा को क्लीन करने के लिए और रिमूव करने के लिए भी होता है। अब आ जाइए प्रोसेस डाटा, सर प्रोसेसिंग डेटा का प्रोसेसिंग भी हम
किसमें करते हैं सर? हम डेटा प्रोसेसिंग भी अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं जो कंप्यूटर में होगा। वो कैसे होगा? तो सर जैसे किसी डेटा को हमको चेक करना है, कोरिलेशन का आपका अब नंबर्स निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, आप इजीली डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। कह रहा डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम को एनालाइज करके प्रोसेस करके आप क्या कहते हैं डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। कह रहा कंप्यूटर्स आर द कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बिल्कुल सही, एक कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं कैलकुलेशन को वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, कौन? कंप्यूटर्स। तो एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारा चीज के लिए कैन बी फाउंड यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। और उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है जैसे SPSS हम लोग यूज करते हैं डेटा को ये करने के लिए, टेस्टिंग के लिए स्टेटा, आईकॉन, नेस्टर, एटलस, मैक्स डेटा, है ना, आर द सम ऑफ द डेटा एनालिसिस टूल्स। ये डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करते हैं प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं डेटा को। कैसे? कह रहा था कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन आल्सो बी यूज्ड इंटरप्रेटिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन द विजुअल फॉर्म्स। डेटा टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, एटसेट्रा कैन बी यूज्ड इन द मेकिंग डेटा प्रेजेंटेबल। सो दीज कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, शोइंग ग्रोथ, विजुअलाइजिंग कंपोजिशंस एंड सो। तो डेटा को इंटरप्रेट भी किया जा सकता है थ्रू द चार्ट, ग्राफ्स, ये और ये सब हम कहाँ बनाते हैं सर? PPT वगैरह हम बना लेते हैं, इजिली बन जाता है कंप्यूटर में। हाँ जी सर। तो अब क्या, उसके बाद क्या कहता है? कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च के फाइंडिंग्स को भी कलेक्ट करने में ICT हेल्प करता है। कह रहा है ICT कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। मेनी ऑफ द जर्नल्स, मैगजीन्स आर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज टू इजी टू शेयर। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने हम लोग क्या करते हैं रिसर्च करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। रिसर्च करते हैं तो हमारे पास थीसिस बनता है, ठीक है सर? हम लोग रिसर्च के दौरान बहुत सारा पेपर्स भी लिखते हैं सर। तो वो सारा डेटा अब इलेक्ट्रॉनिकली भी हमारे पास अवेलेबल है, आप गूगल में लिखेंगे आपको डेटा मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है कि भाई मेरा डेटा है, इस चीज से रिलेटेड टॉपिक है, आप सर्च करिए आपको मिल जा रहा है, तो वो कम्युनिकेट कर देता है। ICT ये भी इजी कर चुका है। कह रहा है थीसिस कैन ऑल्सो बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन डेजिग्नेटेड पोर्टल्स, दैट इज सूद गंगा इज वन ऑफ द सर्च प्लेटफॉर्म्स एंड इट इज मैंडेटरी फॉर रिसर्च फेलो टू अपलोड देयर थीसिस ऑनलाइन सूद गंगा। ये बात ध्यान समझिएगा। देखिए जी, जब हम रिसर्च शुरू कर रहे होते हैं और रिसर्च मैक्सिमम, देखिए मिनिमम लिमिट तो 3 साल का है, मैक्सिमम 5 साल है, आप 5 साल तक रिसर्च कर सकते हैं। और जब आपका रिसर्च फाइनल हो जाता है ना, अपने नाम के आगे डॉक्टरेट की लगा लेते हैं, तो रिसर्च कंप्लीट होने के साथ अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई डेटा जो भी आपने थीसिस किया उसको ऑनलाइन भी लेके आना है, दिखाना है आपको। और उसके लिए एक साइट बनाई गई है, एक प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं शोध गंगा, जहाँ पे आपको अपना थीसिस लगाना ही पड़ेगा और ये मैंडेटरी हो गया है। क्लियर बात? तो अब आपका जो रिसर्च होगा, जो थीसिस होगा, वो सारे लोग देखेंगे। हाँ जी सर। तो ये क्या है, इससे क्या आप रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उसका भी कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड के साथ आपका हो जा रहा है। चलिए अब कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो ICT के तहत इंटीग्रेट किए गए हैं, वो रिसर्च में हेल्प करते हैं। जैसे क्या क्या, तो सबसे पहला था शोध गंगा जो थीसिस के लिए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इंफ्लुबिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनलिस्ट, ई शोध सिंधु, उच्चतर आविष्कार योजना, इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट, और ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ये देखिए ये सब सारा चीज हायर एजुकेशन में बहुत डीप तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ जान लीजिए कि ये सारे इनिशिएटिव हैं जो रिसर्च में ICT के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं। देखिए शोध गंगा और शोध गंगोत्री क्या है, तो शोध गंगा थीसिस के लिए होता है, थीसिस सारा सबमिशन आपको वहां करना पड़ेगा, और शोध गंगोत्री जो है वो आपका सिनॉप्सिस के लिए होता है। सिनॉप्सिस एक ब्लूप्रिंट होती है रिसर्च की, जो पहले सिनॉप्सिस रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप बना के सबमिट करते हैं, उसी बेस पर आपको पूरा रिसर्च करना पड़ता है और थीसिस लिखना पड़ता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो क्या कह रहा है, शोध गंगा इज द सेम नेम क्वाइन डिनोट इज द डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स थीसिस एंड डिजिटेशन सेट बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इंफ्लुमिनेट सेंटर। एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इज द ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक मिनट काहे भाग रहा भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नाउ द कैंडिडेट्स विल हैव टू स्टोर द थीसिस इन द कॉम्पैक्ट डिस्क CD and upload their each chapter of the separate PDF file using the naming convention as a prescribed by शोध गंगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब शोध गंगा में आपको अपलोड करना पड़ेगा CD में लाके, उसको हर चैप्टर वाइज आपको अपलोड
करना पड़ेगा। कह रहा था सीडी मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सुपरवाइजर एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और ये जो सीडी आपके सुपरवाइजर है वो ऑथेंटिकेट कर दे या फिर एचओडी कर दे। कह रहा इन्फिबिनेट इंट्रोड्यूस शोध गंगोत्री विच हैज बीन बिल्ट टू मेंटेन द डेटाबेस ऑफ सिनोप्सिस ऑन गोइंग मेमफिल पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो इन्फिबिनेट क्या किया, इंट्रोड्यूस किसको किया, शोध गंगोत्री को, और शोध गंगोत्री किसके लिए, मैंने पहले ही बताया सिनोप्सिस के लिए। क्लियर बात, हाँ जी सर। अब आ जाइए, अब कौन कौन सा टूल जा रहा है, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स ऑन रिसर्च प्रोसेस, कौन सा टूल लगने वाला है इसकी चर्चा हम करते हैं। कह रहा है यूज ऑफ आईसीटी इन वेरी एक्सटेंसिव, देखिए आईसीटी का यूज रिसर्च में क्या है, वेरी एक्सटेंसिव है। वेयर नाउ इट इज, इन दिनों इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव अ साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट विदाउट इट। तो बोल रहा है इन दिनों डिफिकल्ट क्या करना है, कंसीव करना है साइंटिफिक रिसर्च को, ठीक है, कि जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कह रहा है मेनी रिसर्च स्टडीज कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्पेसिफिकली आईसीटी दैट इंटेल्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो बोल रहा है बहुत सारे रिसर्च स्टडीज नहीं की जा सकते बिना यूज ऑफ कंप्यूटर और स्पेसिफिकली आईसीटी के बगैर, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन होते हैं, एनालिसिस होते हैं और मॉडलिंग होती है, ये सारा कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। सो द कंप्यूटर इन द साइंटिफिक रिसर्च इज यूज्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ स्टडी फ्रॉम द प्रपोजल बजट स्टेज टू सबमिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग। तो बोल रहा है भाई साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटर का हर जगह यूज है, हर स्टेज में। सो क्या देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, बोला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल, क्या क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल है हम लोग उसको देखते हैं। द एक्रोनिम SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। तो SPSS एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। कह रहा है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ SPSS इज IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 2.0 परचेज बाय IBM आफ्टर द वर्जन 19.8 प्रोवाइड द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। अब देखिए SPSS के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, कहता है प्रोवाइड डेटा व्यू एंड द वेरिएबल्स व्यू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो ये प्रोवाइड डेटा जो भी वेरिएबल्स होगा इसके थ्रू आप सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन को देख सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, एरियंस एनालिसिस और वेरियंस अनोवा टेस्ट के थ्रू, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट जो है, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, जस्ट अनोवा, बाइपार्टाइल वेरिएबल, मल्टी वेरिएट डेटा एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हैं SPSS के थ्रू। क्लियर बात, हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट क्या है सर, डेटा एक्सपोजर भी कर सकते हैं बाय वेरियस ग्राफ जैसे लाइन, स्केटर बार, ओवी, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इनके थ्रू आप डेटा का क्या कर सकते हैं, एक्सपोजिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था वो, ये क्या अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था सर, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल था। अब डेटा एनालिसिस टूल भी देखिए क्या क्या है, कह रहा है सिंस आईसीटी हैज बिकम इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर रिसर्च द वेरियस कंटेंट हैव बीन पिक्ड फ्रॉम द वेबसाइट थ्रू द सम इंफॉर्मेशन ऑन इट। कह रहा है एक्सप्रेस इट, इट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट सिमुलेट्स अ पेपर वर्कशीट, इट डिस्प्लेज मल्टीपल सेल्स दैट टुगेदर मेक अप अ ग्रिड कंसिस्टिंग रोज एंड कॉलम, इच सेल कंटेनिंग आइदर अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन द स्प्रेडशीट पैकेज लोटस 1-2-3 क्वाट्रो प्रो जेवलिन मल्टीप्लान वीसी कार्क सुपर कार्क प्लान परफेक्ट। ये सारा क्या है डेटा एनालिसिस टूल की बात कर रहा है भाई, स्प्रेडशीट पैकेजेस की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। अब अदर स्टैटिस्टिकल टूल क्या है सर, ऐसे SPSS यूज है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर पैकेज बताया गया है कि वर्ड प्रोसेसर पैकेज डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए एनआईसीटी एप्लीकेशन यूज प्रोडक्शन इंक्लूड कंपोजिशन एडिटिंग फॉर्मेटिंग एंड पॉसिबली प्रिंटिंग के लिए एनी ऑफ द प्रिंटेबल मटेरियल ले सकते हैं आप। क्या क्या द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट सॉफ्टवेयर, अखर गुजराती के लिए है, एमी प्रो। तो ये सारा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड को प्रोसेस करने के लिए सर वर्ड प्रोसेसर पैकेज देना पड़ेगा सर। उसके लिए डेटा एनालिसिस के लिए ये सारा पैकेज, और फिर आगे देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या। तो सर सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग PPT यूज करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए कह रहा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन
नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड फ्लो, स्लाइड फ्लो के फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को. इट टिपिकली इंक्लूड्स थ्री मेजर फंक्शंस सच एज एडिटर दैट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड, अ मेथड ऑफ इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेज एंड अ स्लाइड टू सिस्टम डिस्प्ले टू कंटेंट. ये तीन चीज देखता है कि भाई कौन सा एडिट करेगा, कौन सा ग्राफ बनाना है और लास्ट में डिस्प्ले कैसे करना है. तो प्रेजेंटेशन पैकेजेस आर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं, लोटस फ्रीलांस है, ग्राफिक्स है, कोरल प्रेजेंटेशन है, अप्लाई एप्पल कीट होने, ये सारे के थ्रू कर सकते हैं. उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए भी बहुत सारा आपका क्या है सॉफ्टवेयर है. क्या है डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आर डीबीएस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर है. क्या रहा था वेरियस डेस्कटॉप डेटाबेस आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पैराडॉक्स, डीबीएस, डीबेस 3 प्लस, फॉक्स बेस, फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो, फाइल मेकर प्रो, ये सारा है. The commercial database servers that support the multi-user Oracle, MS, SQL, Sybase, Ingress, Info, D2B. देखिए ये बहुत सारा चीज आपका दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा. फिर क्या ब्राउजर, सर ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहां आप इनेबल करते हैं कि डिस्प्ले और इंटरेक्ट करने का टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ, है ना. क्या है सर सबसे सबसे अच्छा ब्राउजर भी क्या है सर, गूगल क्रोम चल रहा है. नहीं सर क्रोम के थ्रू तो बहुत सारा काम कर लेते हैं. हाँ जी सर, जहाँ वीडियोज, म्यूजिक, गेम्स, अदर इंफॉर्मेशन टिपिकली बाय एक्सेसिंग अ वेब पेज फाउंड ऑन द वेबसाइट विच इज कलेक्टिवली प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब एंड अ लोकल एरिया नेटवर्क. तो देखिए वेब ब्राउजर क्या है, ऐसा ब्राउजर जहाँ से आप सर्च करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गई, ये सारा चीज. अब टूल्स इंटरनेट क्या है, अब टूल्स इंटरनेट मतलब इसको वेब, एक था वेब ब्राउजर और ये था आपका इंटरनेट के थ्रू, किसके थ्रू कर सकते हैं, तो सर सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं. सर्च इंजन क्या है, गूगल, ठीक है, याहू, एक्साइट, विस्टा, ऑलविस्टा, और ये सारा चीज क्या आपका सर्च इंजन है. तो गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर जिसके थ्रू हम जाते हैं वेब ब्राउजर में, वो क्या है सर, सर्च इंजन बोलते हैं उसको, तो गूगल. ऑनलाइन डेटा क्या, ऑनलाइन डेटा डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या है सर, डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए ऑनलाइन, तो सर ड्रॉपबॉक्स है, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है पेड वर्जन, ठीक है, ये किसके लिए, ऑनलाइन डेटा के लिए. अब आ जाइए ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के लिए, तो टू कलेक्ट ऑनलाइन फॉर्म डिफरेंट यूजर्स, तो ऑनलाइन वर्क फॉर्म, ऑनलाइन क्वेश्चनरीज बना सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, स्काइप के थ्रू वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोलैबोरेशन टूल कर सकते हैं, गूगल के हैंगआउट के थ्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं. तो ये ऑनलाइन डेटा कलेक्शन करने का तरीका बताया गया. और मॉडर्न रिसर्च टूल्स इसमें क्या क्या देखिएगा, कह रहा मॉडर्न रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च टूल्स लाइक जोटेरो, एवरनोट, मेक द कलेक्शन ऑफ रिसर्च डेटा एंड कोलैबोरेशन बिटवीन कलीग्स पॉसिबल विच दैट इन द पास्ट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, तो एक्सपेंसिव और इवन इम्पॉसिबल, सो दे ऑल्सो हैव सेव्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एक्साइटिंग क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफीज. एवरनोट द अलाउज द यूजर टू कैप्चर डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग वेब पेजेस, PDF files, snippets of web pages, organize them, annotate them, and share them and publish them and search them. तो modern research के through हम ये सारा काम करते हैं. Clear बात? हाँ जी. तो सर ये कुछ नहीं था, इसमें बस basically आपको softwares के बारे में चर्चा करना है और application जो use का, भाई research में क्या क्या किस चीज का use है इसकी चर्चा में करनी थी, basic चीज है, ठीक है, इसको देखिए और समझिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद.